अपनी बहन बेटियों को एक जरा सी बात समझाऊंगा, बस बहुत ज्यादा समझाने का समय नहीं है। मैं आपको केवल इतना समझाऊंगा कि हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। पढ़ाई पूरी कर लो, शादी कर लो, फिर अपने पति से प्यार कर लेना। आजकल की लड़कियां अन्य जातियों में विवाह कर लेती हैं। ब्राह्मण लड़की को ब्राह्मण में ही विवाह करना चाहिए, क्षत्रिय लड़की को क्षत्रिय में ही विवाह करना चाहिए, वैश्य लड़की को वैश्य में ही विवाह करना चाहिए और शूद्र लड़की को शूद्र में ही विवाह करना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों, तो मैं साइंटिफिक रीजन बोल रहा हूँ। साइंस क्या कहता है, अंतर्गत अन्य विवाहों के लिए, अन्य जाति के विवाहों के लिए साइंस का क्या कहना है, अब मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। एक लाल गुलाब को एक सफेद गुलाब की कलम के साथ जोड़ दिया जाए तो उससे जो गुलाब होगा वो तीसरे रंग का ही होगा, हाँ या ना? आपने ये साइंस देखा, पढ़ा, समझा, हाँ या ना? लाल गुलाब की कलम को सफेद गुलाब की कलम से आप जोड़ दीजिए, उसे गमले में लगाइए, जब वो फूल देने की स्थिति में पहुंचेगा तो ना वो लाल गुलाब देगा ना वो सफेद देगा, वो एक अलग ही देगा, पिंक दे सकता है। उस गुलाब का कलर दोनों से अलग होगा, उसका रूप रंग व्यवहार गुण अलग होगा। उसी तरह जब ब्राह्मण क्षत्रिय लड़की से विवाह करता है तो क्षत्रिय और ब्राह्मण ये दो कलम जब मिली तो संतान तीसरे ही रास्ते पर जाने वाली होगी, उस संतान को कहते हैं वर्ण संकरी। मजा आया।